हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिंग स्टाफिंग। हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हमें डायरेक्टिंग से शुरुआत करनी है तो हमें सबसे पहले तीन वर्ड का ध्यान रखना है, दैट इज गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग। अब गाइडिंग से हम ऐसे समझ सकते हैं, कल हम शर्ट्स की बात कर रहे थे, तो शर्ट्स में जब आप मेरा कोई एम्प्लॉय है वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे शर्ट्स में पर्टिकुलर स्टिच कैसे करना है या फिर पर्टिकुलर एम क्या है हमारा शर्ट का, तो मैं उससे डायरेक्टली जाके बात कर सकता हूँ एंड उसको गाइड कर सकता हूँ कि शर्ट्स में क्या चेंजेस चाहिए या फिर मुझे क्या पर्टिकुलर चीजें चाहिए। देन आई हैव सुपरवाइजिंग, अगर मेरा कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो आई हैव टू सुपरवाइज कि वो कैसे काम कर रहा है। अगर उसको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आई शुड गाइड हिम। डीमोटिवेट हो रहा है तो आई शुड मोटिवेट हिम। तो मोटिवेशन भी हमें ध्यान रखना है, एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मेरे को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑब्जेक्टिव अटेन करना है तो उसके लिए मुझे गाइड, सुपरवाइज एंड मोटिवेट करना पड़ेगा लोगों को। देन आई कैन जंप टू इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है प्लान्स टू एक्शन। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि डायरेक्टिंग के थ्रू हम हमारे प्लान्स को, जब हमने प्लानिंग करते वक्त प्लान बनाया था, उसको एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग। देन वी हैव गाइड्स टास्क कंप्लीशन। अब मेरा कोई एक टास्क है, बड़ा टास्क है, बहुत टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, बट अगर मैं डायरेक्टिंग को ध्यान रखते हुए उसको गाइड, सुपरवाइज एंड मोटिवेट करता रहूं, अगेन वही गाइड, सुपरवाइज, मोटिवेट करता रहूं, तो वो टास्क कंप्लीट होने में हेल्प करेगा मेरे को। देन आई हैव मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। अब मेरा अगर कोई एक टास्क कंप्लीट होगा, मैं उसमें मेरे एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता हूँ कि आपने मेरे को टास्क कंप्लीट करने में हेल्प करी है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। देन इट हेल्प्स डिसिप्लिन, इट हेल्प्स इन डिसिप्लिन एंड रिकॉग्नाइजिंग अचीवमेंट्स। अब मैंने मेरे डायरेक्टिंग में सुपरवाइज करते करते देखा कि मेरे दो एम्प्लॉयज जो है उनकी प्रोडक्टिविटी लो हो रही है। उसका कारण ये है कि दे आर मेंटली डिस्टर्ब, तो अब मुझे उनको मोटिवेट करना पड़ेगा एंड एक डिसिप्लिन फॉर्म करना पड़ेगा कि अगर मेरे साथ इस समय कंपनी के टाइम में काम हो रहा है तो वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ टाइम वेस्ट बोल लो या फिर इन एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस एट दैट पर्टिकुलर ऑफ टाइम। रिकॉग्नाइजिंग अचीवमेंट्स का मतलब ये हो जाता है, अब जैसे कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है और मैं उसको देखता हूँ कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितना काम कर रहा है, तो आई कैन ईजिली रिकॉग्नाइज कि जो अचीवमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के वो कैसे हैं। देन आई हैव इंटीग्रेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब जैसे कोई इंडिविजुअल है जो बोलता है कि मेरे को इस दुनिया की सबसे बेस्ट शर्ट बनानी है, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल यही होगा कि मैं एक बेस्ट शर्ट अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवा सकूं। सो इस डायरेक्शन के थ्रू मैं उसको इंडिविजुअल को एंड मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कोलैबोरेट करवा सकता हूँ एंड उसको और मोटिवेट कर सकता हूँ कि आप ये चीज मेरे लिए प्रोड्यूस करिए। तो ये इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंपाइल करने में हेल्प करता है। देन वी हैव टीम स्पिरिट। जब एक इंडिविजुअल है जिसको मैंने अच्छे से मोटिवेट किया, वो उसके एक पर्टिकुलर गोल्स हैं एंड वो उस गोल्स उसने अचीव करे मेरे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड उसके खुद के भी, देन उस वो जाके अपनी टीम को बता सकता है अपने बारे में कि मैंने ऐसे ऐसे हेल्प करी थी। देन उसके बाद वो बोल सकता है उनको कि पर्टिकुलर चीज जो मैंने करी है वो आप लोग भी करिए। वो मोटिवेट कर सकता है, गाइड कर सकता है, तो एक टीम स्पिरिट जो होनी चाहिए कंपनी में वो एनहांस हो जाती है। देन आई हैव एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, टोटल चार हमारे पास एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग में। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमको बेसिकली हमारी बुक में उसको डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में एंड उसके अंदर अंदर छोटे छोटे डिविजन्स किए गए हैं। तो ये फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं कि बैरियर्स ऑफ, सबसे पहले तो चैनल बना दिया है बेस्ड ऑन चैनल्स, देन देयर इज बेस्ड ऑफ डायरेक्शंस, देन देयर इज मोड। तो हम शुरुआत करते हैं चैनल से। अब चैनल में दो मेजर डिविजन हम देख सक रहे हैं इधर, एक तो हमारा फॉर्मल एंड देन देयर इज इनफॉर्मल। फॉर्मल डिविजन आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर मेरा कोई एम्प्लॉय मेरे से बात कर रहा है या फिर मैं मेरे एम्प्लॉयज को ऑर्डर दे रहा हूँ, दैट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। बट ऑन दी अदर हैंड, मैं मेरे भाई से बात कर रहा हूँ, मेरे कोई फ्रेंड से बात कर रहा हूँ या फिर मेरे पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, दैट इज अ इनफॉर्मल काइंड ऑफ कन्वर्जेशन, क्योंकि वो कुछ प्लान कन्वर्जेशन नहीं है, वो बस फ्लो हो रही है। देन देयर इज डायरेक्शन।
अब आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर ये एक मेरा कोई एक छोटू सा एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय अब बात मेरे पास आता है, दिस इज लेट्स से एनी ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजर, अब वो अगर ये पर्टिकुलर इस पर्सन का मैसेज है जो वो उसको देना चाह रहा है, दिस इज आवर अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि हायरार्की में ये एक मैनेजर है और ये एक वर्कर है, राइट right? सो अगर इसका कोई मैसेज है एंड वो इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहा है एंड थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो इसके थ्रू इसको पहुंचाता है अपनी बात, दिस इज आवर अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि फ्लो में चार्ट में जो हम कल पढ़ रहे थे उस चार्ट में ये ऊपर जा रहा है हमारा। देन वी हैव, अगर मैनेजर इसको कोई ऑर्डर देता है अपने वर्कर को कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज अभी करके दो या फिर हम ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने वाले हैं, दिस इज आवर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। देन वी हैव वर्कर्स अपने को फेलोज के साथ या फिर को वर्कर्स के साथ अगर बात कर रहे हैं तो दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जब वर्कर अपने को एक फेलो वर्कर के साथ बात करता है या फिर एक सेम लेवल के लोग बात कर रहे हैं, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देन वी हैव based on moods, so this is non-verbal communication and verbal communication. अब non-verbal communication मतलब ये सब जो मैंने इतना लिख के रखा है, notes बनाए हैं, so this is our non-verbal communication. मैंने ये सब कुछ लिख दिया है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, but this is आप तक मैसेज पहुंच रहा है इसका, so this is our non-verbal communication. Verbal communication के अंदर हम समझ सकते हैं जो मैं एक एक point पे ले जाकर आपको समझा रहा हूँ ये पॉइंट क्या है, एग्जांपल्स दे रहे हैं हम लोग, सो दिस इज आवर वर्बल कम्युनिकेशन। इसके सिनेरियो में हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो लेट्स से कोई एक मेमो सर्व होता है कोई पर्सन को, सो दैट इज आवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेट्स से हायरार्की में मैनेजर ने वर्कर को एक छोटा सा मेमो सेंड किया कि आपने ये पर्टिकुलर काम किया था जो हमें अच्छा लगा है एंड वी वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू, तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कोई भी एक टास्क हो रहा है या फिर कोई भी एक रेगुलर कन्वर्सेशन हो रही है उसको वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग काउंट कर सकते हैं। देन वी हैव बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हमने कम्युनिकेशन के चैनल समझ लिए, मोड समझ लिए, अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे, क्यों कोई एक पर्सन इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। सो इसमें हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं सिमेंटिक बैरियर्स से। सो सिमेंटिक बैरियर्स का बहुत आसान भाषा में बोलू ना तो मिस इंटरप्रेशन जब हो जाता है, अब लेट्स से मैं आपको बोलना चाहता था कि मेरे एम्प्लॉय को बोलना चाहता था कि आप अच्छा प्रोड्यूस मतलब कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरे को प्रोडक्शन अब बढ़ानी है, तो मैं बहुत नॉर्मली उसको बोल रहा हूँ, बट ही और शी कैन मिस इंटरप्रेट कि सर ने तो मुझे डांट दिया या फिर मेरे मैनेजर ने मेरे को डांट दिया, सो दिस कैन बी अ मिस इंटरप्रेशन, एंड उसके बाद से ना वो मेरे को कुछ आके बोलेगा एंड वो कन्वर्सेशन एक बहुत ही अजीब सी हो जाएगी। सो दिस इज आवर सीमेंटिक बैरियर, जहां पर एक छोटे से या फिर छोटा मोटा मिसकंसेप्शन की वजह से हम लोग बात नहीं कर पाते हैं उतना अच्छे से। साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स मतलब हमने हमारे दिमाग में कोई एक बैरियर बना के रखा है, जैसे ये मेरा मैनेजर है, मैं इससे ऐसे बात नहीं कर सकता, तो उनको जाके ये नहीं बोल सकता, सो दिस इज आवर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। हम टीचर्स से कभी कभी डाउट नहीं पूछते खाली बस खड़े होके, सो दैट इज वॉट साइकोलॉजिकल बैरियर, ऐसे किसी ने मना थोड़ी किया है हमको। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जैसे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, एक मैनेजर के अलावा दूसरे मैनेजर से बात भी नहीं करने देते हैं वो लोग, तो दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कि अगर मुझे मेरी प्रॉब्लम एक्सप्रेस करनी है एंड एक पर्टिकुलर पर्सन समझ नहीं पा रहा है सो मैं उसको कैसे समझाऊं, मतलब दैट इज अ बैरियर। सो पर्सनल फिर आ जाते हैं पर्सनल बैरियर्स पे, बहुत 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 सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, किसी के पास शायद ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी ही नहीं है अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने की, तो दैट इज ऑल्सो अ बैरियर। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा बैरियर होता है, बच्चों मतलब कोई जिसके पास भी कॉन्फिडेंस नहीं है वो बात ही नहीं कर पाता, सो दिस इज ऑल्सो अ बैरियर। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन डायरेक्टिंग के, दैट इज सुपरविजन। अब सुपरविजन में आप बहुत सिंपल सा एक चीज सोच सकते हो कि आप टीचर ने आपको बोला कि हम लोग एक कोई टॉपिक पे जैसे हम लोग एसे लिखेंगे, तो अब टीचर क्या करती है कि एक टॉपिक हमने बोर्ड पे लिख दिया कि आपको इस टॉपिक पे लिखना है कैसे,
एंड फिर उसके बाद वो टीचर पूरे क्लासरूम में घूमती रहती है. तो दैट इज सुपरविजन. वो पूरे क्लासरूम में घूम रही है, मेक श्योर कर रही है कि सारे बच्चे लिख रहे हैं, सारे बच्चों को समझ आया है टास्क, एंड सारे बच्चे परफॉर्म कर पाए अच्छे से. सो दैट इज सुपरविजन. सुपरविजन क्लैरिफाइज ऑर्डर, आइडिया एंड प्रोवाइड फीडबैक. जैसे मैंने बोला कि टीचर घूम रही है, वो तो फिर घूम रही है तो कोई भी जो शाय बच्चा है जिसको बेसिकली पर्सनल बैरियर है, कॉन्फिडेंस वाला बैरियर है, वो पर्सनली मैम को वहां पे जाके पूछ सकता है कि मैम मेरे को ये चीज समझ नहीं है, आप मुझे समझा दीजिए, या फिर सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई, मुझे समझा दीजिए. तो ये सारी चीजें हम लोग सुपरविजन से कंक्लूड कर सकते हैं. देन वी हैव मोटिवेशन, जो कि यहाँ पर मैंने बात करी ही थी, ड्राइव करता है एम्प्लॉय को परफॉर्म, मतलब टास्क अच्छे से परफॉर्म करे जा सकते हैं, एफिशिएंटली परफॉर्म करे जा सकते हैं, वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है, मोरल बूस्ट हो जाता है, बहुत सारी चीजें. देन वी हैव मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. हाँ, मोटिवेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस भी आए हैं बोर्ड पर. सो दैट इज साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. मतलब बेसिकली ये नीड्स है हमारी, एक ह्यूमन की क्या क्या नीड्स हो सकती है. सबसे पहली तो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है कि वहां पर जो भी वर्क स्पेस है वहां पे पर्सन कंफर्टेबल होना चाहिए, अपनी सारी की सारी चीजें अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. सो दैट इज आवर साइकोलॉजिकल नीड्स. उसके बाद आती है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. सेफ्टी मतलब जहां पे वो काम कर रहा है वो जगह सेफ है. देन सिक्योरिटी मतलब वो वहां से एकदम से कोई इसको फायर तो नहीं कर देगा, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी. सो दैट इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी पार्ट. देन वी हैव सोशल पार्ट. अब वहां के आसपास के जो लोग हैं, कल्चर है, वो कैसा कल्चर है, अगर पर्सन कहीं बहुत ज्यादा उससे वियर्ड तो नहीं महसूस होता है, उसको कहीं एक्सक्लूडेड तो नहीं महसूस होता है. सो दैट इज आवर सोशल नीड. देन वी हैव एस्टीम्स. अब आप जब ये सारी नीड्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक चीज होती है कि यहाँ पर एक मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यहाँ पर मेरी एक सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए. सो ये सारी चीजें एस्टीम के अंदर काउंट हो जाती है. देन वी हैव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट ये हो जाता है कि जब आप एक ये सारी की सारी आपकी नीड्स खत्म हो गई हैं, अब आप सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे को ये चीज जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है, क्या मेरे को इसमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को पैसे कितने मिल रहे हैं. सो दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. फिर उसके बाद हम लोग जंप कर सकते हैं लीडरशिप पे. लीडरशिप इज द लास्ट पॉइंट ऑफ डायरेक्टिंग. इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि लीडर्स का क्या मतलब बेसिकली क्वालिटीज ऑफ लीडर्स, इंपॉर्टेंस क्या है लीडरशिप की, और लीडरशिप है क्या बेसिकली. तो एबिलिटी टू लीड, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट पीपल. सो जब भी आपको लीडरशिप कहीं पर दिख जाए तो आपको सिर्फ दो वर्ड याद रखने हैं जिससे आपको पूरा का पूरा लीडरशिप समअप हो जाता है, दैट इज इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट. अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एंड आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, देन यू आर अ गुड लीडर. फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है. सो बूस्ट एम्प्लॉय मोरल. अगर आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, आप सबका ध्यान रखते हैं, सबसे बात करते हैं, सबकी बेसिकली सबकी नीड्स का ध्यान रखते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि अपने आप ही जो एम्प्लॉय है उसका मोरल बूस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको देख के समझ आता है कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करूंगा तो मेरा बॉस या फिर मेरा जो लीडर है वो मुझे बेसिकली खुश होगा एंड मुझे अप्रिशिएट करेगा. सो अपने आप ही उसका मोरल बूस्ट हो जाता है. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब चीजें हम बढ़ा रहे हैं, मतलब चीजें अच्छी हो रही है सबके लिए. सो दैट इज इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. चीजों की मतलब लोगों का एकदम से मन करने लग जाता है काम करने का. आपने खुद भी देखा होगा, अगर आपका क्लास का सीआर अच्छा है तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है क्लास में तो सब कुछ अपने आप ही सॉर्ट हो जाता है. देन वी हैव लीडरशिप क्वालिटीज. अब क्वालिटीज में बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए पर्सन में. पर्सन ऐसा लल्लू पंजूसा नहीं होना चाहिए, मतलब उसको बात करनी आनी चाहिए, उसको अपने पॉइंट्स रखने आने चाहिए, कॉम्पिटिंग होना चाहिए. तो ये सारी बेसिक चीजें होनी चाहिए उसमें. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो अपनी बात ही नहीं रख पाएगा कहीं पे, कुछ बोल ही नहीं पाएगा किसी को, तो क्या फायदा लीडर होने का. देन वी हैव एबिलिटी टू इंस्पायर. अब क्लास का सीआर अगर बहुत अच्छा है, सब लोग उसको पसंद करते हैं, तो बच्चे अपने आप इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे एंड अपनी चीजें समझना शुरू कर लेंगे. एंड अगर वो लोग कहीं पे लैग करते हैं तो वो इम्प्रूव करना भी शुरू कर देंगे. सो दैट वॉज आवर डायरेक्टिंग. अब हम नेक्स्ट लेक्चर से नया टॉपिक शुरू करेंगे.
थैंक यू।